आया जीजा घर छोड़ के आया हा? कैसे गिरफ्तार कर लूं जबकि आपकी बेटी कहती है कि इसने पहचाना नहीं, मुंह पर कपड़ा था, और एफआईआर के बगैर किसी को गिरफ्तार करना यूं भी जुर्म है। मगर सर एफआईआर तो आपको काटना होगा। देखें जी, इस तरह किसी के खिलाफ एफआईआर कटवाकर आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। एफआईआर तो आपको काटना होगी सचिन साहब, क्योंकि एफआईआर कटवाना मेरा कानूनी हक है। प्लीज बेटी को गिरफ्तार करें आप। देखें बीबी, आप मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश मत करें। क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सर एसआई अहमद को बुलाओ। हाँ, तुम बोर्ड में हो? अच्छा, केस का क्या बना? अच्छा, तुम चालान पेश करके सीधे थाने आ जाओ। अहमद अली, इनकी एफआईआर दर्ज करो, ये इनका कानूनी हक है। मतलब इन्हें कानूनी हुकूक का पता है? हाँ, हमसे ज्यादा पता है। एफआईआर काटो। हाँ जी, बोले। मैं बताती हूँ। वो कल रात को कोई 11:30 बजे मिठू अपने दो चार दोस्तों के साथ मेरे घर में घुसाया मेरी बेटी गुलारा को अगवा करने के लिए। मिठू? मिठू कौन? वही जो हमारे मोहल्ले में रहता है। जो आपका मालके मकान है? हाँ हाँ, वही वही। सही औरत झूठ बोल रही है, मेरा मतलब झूठी एफआईआर कटवा रही है। मिठू और उसके तीन दोस्त मेरे बेटे की अतिथि की तकरीब में थे और 9:30 बजे उन्होंने मेरे साथ खाना खाया है और फिर म्यूजिकल प्रोग्राम में रहे हैं मेरे साथ। सर मेरे पास मूवी बनी हुई है, मैं दिखा सकता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं सर, सरासर झूठ बोल रहा है सर ये। देखें, आप आराम से बात करें। सर मैं आपको बताती हूँ, मिठू ने अपने चंद दोस्तों के साथ मुझे आकर्षण का प्रोग्राम बनाया था और उसने कहा था कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। होश में रहे आप लोग, हम पर इल्जाम लगाने का मतलब जानती हैं आप? सर ये मोहल्ले की बदनाम औरतें हैं, इनकी कई शिकायत मेरे पास आ चुकी हैं और ये लड़की शाम को कहीं जाती है और रात गए आती है।